जगदम्बिका पाल जी हमारे साथ में। सर, आप लोग पहले अलग अलग पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन फिर भी बहुत करीबी रिश्ते थे, आज कैसे उनके परिवार के लिए और अब याद करें? 16वीं लोकसभा में साक्षी हैं, उस डिमोनेटाइजेशन के साक्षी हैं, GST के साक्षी हैं, जो शायद टैक्स रिफॉर्म में किसी ने साहस नहीं किया। 10 साल कांग्रेस पार्टी ने कोशिश किया GST लाने के लिए, लेकिन जब तक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आधा राज्यों से ज़्यादा वित्त मंत्री सहमत नहीं होते, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, ये काम अगर कोई कर सकता था तो अरुण जेटली ही कर सके। बार आपकी मुलाकात उनसे या कुछ उनसे जुड़ी हुई यादें जो आपके साथ के 2 दिन पहले मैं गया हूँ, इसलिए कि मैं इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में था, मैं सरफेस आई एक्ट में था, वो मानते थे कि कभी कभी अगर किसी विषय पर अचानक बोलना हो तो जगदम्बिका पाल बोल सकते हैं, तो इसलिए उनका इतना लगाव था कि मेरे साथ तो बहुत जुड़ा हुआ है। उन्होंने मेरे क्षेत्र को कस्टम लैंड स्टेशन दिया, उन्होंने वहाँ चलने का भी वायदा किया था, तो बहुत सी स्मृतियाँ जुड़ी हैं। मैं समझता हूँ कि राजनीति से लेकर के अर्थशास्त्र से लेकर के एक अधिवक्ता के रूप में रणनीति में मतलब ये महारत था, और शायद इनको शब्दों में इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जो रिक्तता आई है हर जगह इन्होंने अमिट छाप छोड़ी। अगर आप वित्त मंत्री के रूप में देखें, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के लायर के रूप में देखिए, तो जैन हवाला से लेकर के अडवाणी जी के केस से लेकर के मोदी जी के, तो ऐसा था कि अपनी वाणी से किसी को आहत कभी नहीं किया इन्होंने। देखो, दोस्तों के दोस्त थे, यारों के यार थे, विपक्ष की भी मदद करते थे, इसलिए जो लोकप्रियता उनकी थी कि सदन में केवल उनको उनकी पार्टी नहीं पूरा सदन सुनता था, और उनके तर्कों के बाद आप देखिए कितने बड़े कठिन फैसले थे डिमोनेटाइजेशन के या GST के, और उस पर जिस तरीके से इन्होंने किया, रफाइल पे जिस तरह से इन्होंने पार्टी को डबल किया, तो उनको ट्रबल शूटर कह सकते थे, या उनसे बड़ा रणनीत चाणक्य संकट मोचक नहीं हो सकता। कैमरा पर्सन राघव के साथ जब्बार खान, RIN TV।